एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये वाला लुक शेयर करने जा रही हूँ। ये है नागिन 3 बेला इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं मैंने ये कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ ले रही हूँ गुड वाइब्स का अर्गन फेशियल ऑयल गोल्ड लीव्स वाला। और बहुत ही अच्छा फेशियल ऑयल है ये, आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। और ऐसा नहीं है कि ऑयल है तो आपके फेस पे ऑयल कर देगा, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में, एक अच्छा सा ग्लो भी देता है, साथ साथ पिगमेंटेशन को भी हटाने में वर्क करता है। मैं अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे अपने। देन मैं अपने फेस को प्राइम करने के लिए ले रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। ये बहुत ही अच्छे से हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है एज ए प्राइमर। देन मैं यहाँ लैक्मे के सीसी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। इसमें मेरा शेड है बेज और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी इसको। काफी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है ये हमारे फेस पे। देन ये एक मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी पूरे फेस में। कंसीलर के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ NYB की कंसीलर स्टिक शेड नंबर 01 और अपने यूजुअल फेस पे अप्लाई कर लूंगी, जैसे अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज एंड अपने माउथ के अराउंड, जहां जहां हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वहां वहां उसको हाइड करने के लिए। देन मैं इसको भी एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से, बहुत इजीली ये ब्लेंड भी हो जाती है, बहुत ही क्रीमी है। देन इसको सेट करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ SQ का कॉम्पैक्ट और अपने पूरे फेस को इसी से सेट कर लूंगी, कंसीलर को भी, ओवरऑल अपने फेस को भी। देन मैं यहाँ आई मेकअप के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट रोज इन द एयर और इसमें से ये ब्राउनिश शेड पिक करके अपने क्रीज में अप्लाई करूंगी। दोनों आईज में सेम ऐसे ही करूंगी। देन मैं थोड़ा डार्किश चॉकलेटी ब्राउन अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज में और ओवरऑल अपनी लिप पे अप्लाई कर लूंगी इसको, क्योंकि उनकी ब्राउनिश आई है। देन मैं काजल ले रही हूँ और अपने बिल्कुल क्लोज लैश लाइन के अप्लाई करूंगी और इस फेस को स्मच कर दूंगी, क्योंकि एक स्मोकी इफेक्ट दिखाया हुआ है उनकी आईज में। एक स्मजर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी, स्मच कर लूंगी, बिल्कुल क्लोज करना है अपनी लैश लाइन के। मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज वहां से चेक कर लेना। देन मैं इसी काजल को NYB के काजल को अपनी वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लूंगी और देन इसको एक ब्राउन शेड से स्मच कर लूंगी, जो मैंने अपनी क्रीज में अप्लाई किए थे वही शेड, एक स्मोकी इफेक्ट देने के लिए। मस्कारे के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा, मैंने आपसे कई बार इसका जिक्र किया है कि काफी अच्छा मस्कारा है, काफी अच्छी लेंथ देता है आपके लैशेस को। आईब्रोज को फिल करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ ADS का जेल लाइनर और इसका ऊपर वाला जो पाउडर है ब्लैक शेड वो मैं अप्लाई करूंगी अपने आईब्रोज में। देन यहाँ मैं ये ब्राउन शेड इसी आई शेडो पैलेट में से पिक करके अपने फेस को कॉन्ट्रोल कर लूंगी, अब ब्लेंड करती चलूंगी साथ साथ अपनी नोज को, अपनी चीक को, जो लाइन को, फोरहेड को भी। यहाँ मैं ब्लश के लिए ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की पैलेट और इसमें से ये कॉरल शेड पिक करके अपनी एप्पल ऑफ चीक्स पे अप्लाई करूंगी। फेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ सिवाना शिमर ब्रिक शेड नंबर 04 और इसके ऊपर वाले दोनों शेड पिक करके अपने फेस को हाईलाइट कर लूंगी, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, चीक बोन्स। बहुत ही अच्छी शिमर ब्रिक है ये, बहुत ही अच्छा सा एक ग्लो देती है आपके फेस को, सटल ग्लो दे देती है, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें।
एंड बजट फ्रेंडली भी है। सेम इसी पैलेट से अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी। अपने ब्राउ बोन को भी हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। लिपस्टिक के लिए हमें ले रही हूँ NYBE का लिप क्रियॉन। ये जो भी शेड है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यहाँ मेरा लुक कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।